इस एक्सरसाइज में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कि बेसिकली एक ही जैसी हैं, तो मैं इनमें से पहले वाले को प्रूव कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। तो जो सबसे पहली बात वो है कि इस पूरे प्रोसेस में इस चीज के ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है। तो अगर यहां पर साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स है तो एक्स की खाली वही वैल्यूज अलाउड होंगी जो कोसेक इनवर्स एक्स के डोमेन में होंगी। तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं पीछे वैल्यूज वाले प्रॉब्लम में कर रहा था उसी तरीके से मैं कोसेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लूंगा, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कोसेक थीटा हो गई। अगर एक्स की वैल्यू कोसेक थीटा हो गई तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू साइन थीटा हो गई, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। इसलिए वापस मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। क्योंकि थीटा के लिए साइन थीटा और कोसेक थीटा इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा है, इसलिए साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू कोसेक इनवर्स एक्स हो गई। जैसे साइन और कोसेक में रिलेशन है वैसा ही कॉस और सेक में है, वैसा ही टैन और कॉट में है। इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर तरीके से मैं कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के लिए प्रूव कर सकता हूं। सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस एक्स के लिए है। तो इसमें भी ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज है जिनमें से मैं एक ही प्रूफ करूंगा, बाकी तीनों आइडेंटिकली उसी तरीके से प्रूव हो जाएंगी। ये कह रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स एक ऑड फंक्शन है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसी तरीके से ले लेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तरीका बिल्कुल वही है। तो यहां से माइनस एक्स की वैल्यू साइन थीटा आ जाएगी। अब हमें मालूम है कि साइन जो है वो एक ऑड फंक्शन है, इसलिए अगर एक्स की वैल्यू माइनस साइन थीटा है तो इसे मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो अगर एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो यहां से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा आ गया, या थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो ये मेरी पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। इन दोनों से मैं थीटा को इक्वेट करूं तो मेरा क्या प्रॉपर्टी आ गई, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब जिस तरीके से साइन थीटा ऑड है वैसे ही टैन थीटा और कोसेक थीटा भी ऑड होते हैं, इसलिए सिमिलर प्रॉपर्टी टैन इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अब हम ये नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए है। यहां पर भी मैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स वाला ये प्रॉपर्टी प्रूव करता हूं और बाकी दोनों भी सिमिलर लाइन पे प्रूव हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए सेम अप्रोच लेंगे। सपोज करो मैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा ले लेता हूं, तो इसका मतलब माइनस एक्स की वैल्यू कॉस थीटा या एक्स की वैल्यू माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। अब अगर एक्स की वैल्यू माइनस कॉस थीटा है तो मुझे इसको वापस कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहां से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, दोनों साइड इनवर्स लिया, पाई माइनस थीटा आ गई, या थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ गई। तो
यहां पर एक थीटा की वैल्यू थी, लेट मी से दिस इज इक्वेशन वन, और यहां पर एक थीटा की वैल्यू थी, लेट मी से इक्वेशन नंबर टू। तो दोनों को इक्वेट करें तो मेरी इक्वेशन आ गई कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम लॉजिक यूज करके मैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स के लिए और सेक इनवर्स माइनस एक्स के लिए भी प्रूव कर सकता हूं। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं जहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई बाई टू हो जाती है, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी पाई बाई टू हो जाती है। तो इसमें से भी मैं एक प्रॉपर्टी प्रूव करता हूं, बाकी दोनों आप वैसे ही प्रूव कर लेंगे ऑन सिमिलर लाइन। तो सपोज करो पहली वाली जो ये इक्वेशन है, इसको प्रूव करने के लिए मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेता हूं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा। अब मैं इसको कॉस इनवर्स एक्स से रिलेट कराना चाहता हूं, बिकॉज ये जो मेरी इक्वेशन है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में रिलेशन है। तो जो एक्स की वैल्यू साइन थीटा है, इसी एक्स को मैं कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा लिख लेता हूं। तो बिकॉज मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा, यहां से दोनों साइड इनवर्स लेने पे मेरे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू आ जाएगा। ये थीटा और ये थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई के लिए हैं। तो सपोज करो मैं टैन इनवर्स एक्स को अल्फा ले लेता हूं, यानी एक्स की वैल्यू टैन अल्फा, और ऐसे ही टैन इनवर्स वाई को मैं बीटा ले लेता हूं तो वाई की वैल्यू टैन बीटा। अब मुझे टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई चाहिए, इसका मतलब मुझे यहां पर अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो मैं यहां पर टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मैं टैन अल्फा और टैन बीटा के टर्म में लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टैन अल्फा प्लस टैन बीटा अपॉन वन माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो टैन अल्फा की जगह पे एक्स प्लस टैन बीटा की जगह पे वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई आ गया। और अब मैं दोनों तरफ टैन इनवर्स ले लूं तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई आ जाएगी। और अब मैं इस अल्फा प्लस बीटा को लिख सकता हूं टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू सेम टर्म। तो इस तरीके से मैं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर लूंगा। सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए भी जो इनिशियल प्रोसेस है वो यही है कि एक्स और वाई को टैन अल्फा टैन बीटा लिखो, और इस बार टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा माइनस टैन बीटा अपॉन वन प्लस टैन अल्फा टैन बीटा यूज करेंगे, तो मेरी ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट, ये तीन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज डबल एंगल फॉर्मूले से आ रही हैं। तो इनको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर मैं टैन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेता हूं, तो एक्स की वैल्यू टैन थीटा आ गई।
ये तीन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। सबसे पहली वाली इक्वेशन में मुझे 2 थीटा की वैल्यू चाहिए साइन इनवर्स के टर्म में, यानी कि मुझे कहीं पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं साइन 2 थीटा को सिंप्लीफाई कर लूं तो साइन 2 थीटा के इस फॉर्मूले में जब मैं इनवर्स लूंगा तो मुझे 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स मिल जाएगा। तो साइन 2 थीटा का अगर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई, ये वाली। सेकंड में मुझे 2 थीटा कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो इस बार मैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा। फिर से अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी याद हो तो इसकी वैल्यू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होती है, जिसे मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकता हूं। यहां से 2 थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। थर्ड इक्वेशन में मुझे फिर से 2 थीटा चाहिए, लेकिन इस बार टैन इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो इस बार मैं टैन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है, ये स्क्वायर है, तो फिर से टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स सब्स्टिट्यूट करूं तो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, या 2 थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। तो ये थर्ड इक्वेशन भी यहां पर आकर के सॉल्व हो गई, ये वाली सेकेंड हो गई। इस तरीके से हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज, डबल एंगल वाली जहां पे मैं 2 टैन इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1 है, शो दैट साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए, मैं साइन इनवर्स x को थीटा ले लेता हूं, यानी कि x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। यहां पर चूंकि x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2 के बीच में लाई कर रही है, इसलिए थीटा जो है ये माइनस पाई बाई 4 से, माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस पाई बाई 4 पे होगा, प्लस पाई बाई 4 तक लाई करेगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 के बीच में ये कॉस थीटा वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा,
तो इससे मुझे थीटा के साइन की कोई चिंता नहीं है। टू साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन इनवर्स टू थीटा लिख सकता हूं, जो कि टू थीटा हो गया, यानी कि टू साइन इनवर्स एक्स थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहां से, तो ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। अब इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जहां पे साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स x है, यहां पर मैं कॉस इनवर्स x को थीटा ले लूंगा, यानी कि x की वैल्यू कॉस थीटा हो गई, और चूंकि मेरा x 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में है, इसलिए मेरा थीटा 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करेगा। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं साइन इनवर्स ऑफ 2 कॉस थीटा, ये x की वैल्यू गई, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, विच इज 2 थीटा, और फिर थीटा का सब्स्टिट्यूशन करने पे दिस इज 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो ये मेरा राइट हैंड साइड आ गया। अब इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या समझते हैं कि अल्टीमेटली ये जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स हैं उनको मुझे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम की तरह से ही करना है। जो भी मेरे पास साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स जैसा टर्म है उसको थीटा ले लें, यानी कि एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में लिख लें। जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ये कॉम्प्लेक्स से टर्म थे उसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और उसको सॉल्व करते जाएं, अंत में राइट हैंड साइड पे जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट है वो आ जाएगा अगर हम कोई गलती नहीं करते। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व होती थी वैसे ही ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, बस बाहर में एक ये साइन इनवर्स जैसा टर्म लगा हुआ है जो लास्ट में आकर के साइन इनवर्स एक्स और साइन का आपस में कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये है टैन इनवर्स हाफ प्लस टैन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद हो तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां पर हाफ मेरा एक्स है, 2/11 मेरा वाई है, तो जो मेरा टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी हाफ प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 2/11। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 22 एलसीएम हो गया, 11 प्लस 4 अपॉन नीचे भी 22 एलसीएम हो गया, 22 माइनस 2, इस 22 को इस 22 से कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया टैन इनवर्स 15/20 विच इज टैन इनवर्स 3/4। इस प्रॉब्लम में मुझे टैन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है, तो बेसिकली इस चीज का मतलब यह है कि मुझे इसे किसी तरीके से टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ समथिंग के फॉर्म में लेके आना है,
इसका मतलब मुझे कहीं से cos x अपॉन 1 माइनस साइन x को tan ऑफ समथिंग बनाना है, तो ये फिर से ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, हम यहां पर हाफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो दो फॉर्मूले लिख देता हूं, एक तो cos x की वैल्यू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू होती थी, और दूसरा ये टर्म है 1 माइनस साइन x, इसको मैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x बाई टू, ये 1 से आया, माइनस 2 cos x बाई टू साइन x बाई टू लिख सकता हूं। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं लिखना चाहूं तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन, यहां पर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी ए प्लस बी लिख लिया। ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया 1 माइनस साइन x का, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो गया, ये cos ऑफ x बाई टू माइनस साइन ऑफ x बाई टू का होल स्क्वायर है। तो एक ये टर्म इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और मेरा फाइनल टर्म हो गया tan इनवर्स ऑफ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब मुझे इसे tan इनवर्स इसलिए tan के फॉर्म में लाना है, तो सिंपल सी बात है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x बाई टू, मेरा ये टर्म हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x बाई टू अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू। अब मैं यहां पे एक छोटी सी ट्रिक लगाऊंगा, tan इनवर्स को एज सच रहने दो, ये जो 1 है इसको मैं tan पाई बाई 4 लिख लेता हूं, माइनस tan x बाई टू को एज सच रहने देता हूं अपॉन 1 माइनस tan x बाई टू, ये जो है इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू लिख लेता हूं। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये बीच में गलती हो गई मुझसे, ये प्लस साइन है, तो ये tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2 हो गया, जो कि tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 है, जिसकी वैल्यू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो ये कॉम्प्लेक्स सा टर्म है इसकी एक सिंपल वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये कह रहे हैं राइट कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब मुझे ये सोचना है कि मैं एक्स को किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में लिखूं सच दैट जो अंदर वाला टर्म है ये कॉट ऑफ समथिंग बन जाए। तो
तो मुझे अंदर वाला टर्म cot ऑफ समथिंग चाहिए, इसका मतलब वन अपॉन समथिंग। तो ये जो टर्म है ये tan ऑफ समथिंग चाहिए। तो यहां पर मैं x को sec थीटा ले लूंगा, बिकॉज जब मैं x को sec थीटा ले लेता हूं तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू tan थीटा हो जाती है। अब मैं सब्सटीट्यूशन वहां पर करूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो गया, एक्सप्रेशन है वो हो गया cot इनवर्स वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, जिसकी वैल्यू tan थीटा हो गई, विच इज cot इनवर्स ऑफ cot थीटा विच इज थीटा, और इस थीटा को वापस मैं sec इनवर्स x लिख सकता हूं, यानी कि cot इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sec इनवर्स x है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है जिसे हम ट्रायंगल मेथड कहते हैं। सपोज करो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अल्फा मान लूं और इस टर्म को भी अल्फा मान लूं, तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं cot इनवर्स वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा एंगल अल्फा है जिसके cot की वैल्यू वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अब cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला साइड वन है, ये वाला साइड एक्स स्क्वायर माइनस वन है। cot अल्फा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और cot अल्फा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने परपेंडिकुलर को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख लिया, बेस को वन लिख लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। यहां पर क्लियरली दिखाई देगा कि sec अल्फा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अल्फा की वैल्यू sec इनवर्स एक्स है। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसको सिंप्लीफाई करके sec इनवर्स एक्स लेके आने का। आपको जो तरीका पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म। तो फिर ये फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है, मैं वही फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा। तो फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ x प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यानी कि 2x स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं तो ये टर्म हो जाएगा tan इनवर्स, बड़ा सा कर लिया, न्यूमरेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स आ गया, और डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो इस टर्म की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 3x
माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना है, सिंप्लीफाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ये एक्सरसाइज से पहले का लास्ट एग्जाम्पल शायद सबसे आसान एग्जाम्पल है, बिकॉज जो मैंने पाई बाई टू वाली प्रॉपर्टीज बताई थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये टर्म है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है। तीन प्रॉपर्टीज थी ना, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, चाहे इसकी कोई भी वैल्यू हो विद इन डोमेन। तो यहां से बेसिकली जो मेरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू है cos ऑफ पाई बाई टू, और हम जानते हैं cos ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए इसका आंसर भी जीरो आ गया।